भारतीय जनता पार्टी दे राजौरी गार्डन हलके तो विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली दे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल नूं अपील की है कि बीते दिनी दिल्ली विधानसभा दे विशेष इजलास ते आए खर्च की राशि आम आदमी पार्टी कोलों वसूल की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर नूं लिखे पत्र विच सिरसा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने विशेष इजलास सद के इस मंच की दुरवरतों इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां नाल छेड़छाड़ के प्रदर्शन वास्ते की। उन्होंने कहा कि आप दे विधानसभा विच 66 मेंबर हन अते फिर एक कार्रवाई एक संविधानिक संस्था दे प्लेटफार्म ते करन दी की जरूरत पै गई सी। उन्होंने सवाल किया कि जेकर आप अपनी पार्टी दे आगुआं नूं ए विखाउणा चाहुंदी सी तां फिर ए शो पार्टी दे दफ्तर विखे ही रख्या जा सकदा सी। किसे कानून नूं बनाउण दी गल नहीं कीती गई, बल्कि उहदा मकसद केवल और केवल आम आदमी पार्टी दे मुखी अरविंद केजरीवाल दी जिहड़ी बुरी तरीके नाल होई हार गोवा पंजाब और दिल्ली अंदर कॉर्पोरेशन अंदर और जोरी गार्ड जी उन्होंने जमानत जब्त कराई गई सी उस तो उन्होंने उस हार से पर्दा पाने वास्ते ये सैशन बुलाया गया। मकसद की सीगा ईवीएम गलत साबित करना, इलेक्शन कमीशन जी संवैधानिक बड़ी वड्डी संस्था है उसनू बेईमान दसना, उस दे उत्ते प्रश्न चिन्ह लगाना। यह सैशन किसी भी तरीके दे नाल दिल्ली दियां तकलीफ दुख तकलीफां नूं लैके या दिल्ली नूं लैके किसी भी तरीके दौरान किसी भी काम वास्ते नहीं बुलाया गया सी। इस वास्ते यह सैशन जिथे आम आदमी पार्टी की वाह वाह करन वास्ते बुलाया गया सी, अरविंद केजरीवाल की होमी नूं पट्ठे पाउण वास्ते बुलाया गया सी, उसकी हार के उत्ते पर्दा पाउण वास्ते बुलाया गया सीगा। इस दे पैसे भी आम आदमी पार्टी के खाते चो वसूल होने चाहिए ने। लगभग एक सैशन अंदर 40 तो 45 लाख रुपया खर्चा आउंदा और यह खर्चा दिल्ली के आम लोगों की जेब चो ना जाए, एक खर्चा दिल्ली की आम लोगों ना देना पवे। ये वास्ते मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नूं लिखिया है और यकीनी तौर पर मैं कह सकता है किसी भी सूरत अंदर ये पैसा दिल्ली की जनता की जेब चो नहीं जाएगा। यदि वसूली जी आम आदमी पार्टी के अकाउंट चो होएगी आम आदमी पार्टी देनी पएगी भावें किसी भी कोर्ट कचहरी चले जाए, क्योंकि दिल्ली के लोगों को लेकर इस सैशन अंदर कोई भी चर्चा नहीं हुई।